अस्सलाम वालेकुम। आज का खाना भी तारिफ दाऊद। और आज का खाना में क्या हो रहा है, डबल मजा है। एक तो हम आपको सिखा रहे हैं मसाला, और फिर हम उससे बनाएंगे ग्रेवी। अब मसाला कौन सा है? मसाला है अचारी, यानी कि अचारी मसाला सिखाएंगे आपको। एक रेसिपी दे देंगे 1 kg चिकन या बीफ या मटन के लिए, और फिर इसके बाद जो है वो हम बनाएंगे चिकन अचारी। चिकन अचारी कैसे बनती है वो तो बात की बात है, मगर आपको क्या करना है। अगर अच्छा लग जाए आपको ये मसाला और रेसिपी दोनों, तो आप क्या करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे, ताकि मेरी आने वाली तमाम एपिसोड्स आपको फौरी से मिल जाए। आप और मैं चलते हैं किचन में और बनाते हैं पहले मसाला फिर चिकन अचारी। जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, काम को शुरू करते हैं। पहले आपको 1 kg चिकन के लिए एक अचारी मसाला, और ये अचारी मसाला इतना ऑथेंटिक है, आप यकीन माने ये कमर्शियल बुनियाद पे ही मैं बनाता हूँ। आप बना के रख दें। यहाँ पे 1 tablespoon भर के पीसा धनिया, यहाँ पे 1 tablespoon भर के कश्मीरी लाल मिर्च, यहाँ पे 1 teaspoon कुटी लाल मिर्च, यहाँ पे चला गया हमारा कुटा हुआ जीरा 1 teaspoon, यहाँ पे गरम मसाला पिसा हुआ 1/2 teaspoon, यहाँ पे हल्दी 1 teaspoon, यहाँ सॉल्ट चला गया 1 tablespoon 1 kg चिकन के लिए। यहाँ पे अब हम शामिल करेंगे इसमें कुछ अचारी मसाले। यहाँ पे कलौंजी मैंने 1/2 teaspoon लिए, राय दाना 1 teaspoon कुटा हुआ है, यानी कि उसका कटर किया हुआ है, कूट लें इसको। यहाँ मेथी दाना या मेथरे ये भी 1/2 teaspoon कूट लिया है। यहाँ पे सौंफ को 1 teaspoon कूट लिया है। ये सारे कुटे हुए मसाले इसमें शामिल होंगे। यहाँ पे 1 teaspoon धनिया कुटा हुआ, यहाँ पे जीरा भी 1 teaspoon कुटा हुआ, यहाँ पे टाटरी ले लेंगे 1/2 teaspoon, ताकि मजे का अचारी जायका आ जाए। यहाँ पे इसकी अच्छे से हो गया मिक्सिंग। ये अचारी मसाला किसी डब्बे में बंद अचारी मसाले से कम नहीं है, और बाकी डिटेल मैं आपको नहीं बता सकता कि किस किस कंपनी के लिए मैंने ये अचारी मसाला बना के दिया है। मैंने आज यहाँ पे आज का खाना के हमारे सब्सक्राइबर या जो नए आने वाले उनके लिए भी ये रेसिपी खोल दी यहाँ पे आपके सामने। यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले स्टेज में यहाँ से 2 से 3 teaspoon या टेबल स्पून, 2 tablespoon ले लें या 2-3 teaspoon ले लें। यहाँ पे मैं इसको अलग से निकाल लूंगा, बाकी हमारा चला जाएगा चिकन के साथ। यहाँ पे एक बड़ा नींबू निचोड़ के इस मसाले में शामिल कर दें, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, अचारी मिर्चों में यानी कि बड़ी साइज की मिर्चों में इसे भर के साइड पे रख लेंगे, जो हम एंड में दम पे देंगे। यहाँ पे मेरे पास हैं बड़ी वाली मिर्चें, क्योंकि फीकी मिर्चें ही मैं इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पे UAE में हमारी जो मोटी वाली मिर्च जिसे कहते हैं नहीं मिलती, तो हम ये मिर्चों से काम चलाते हैं। यहाँ पे इसे भर लें। ये अचारी मसाला आप अपनी अचारी सब्जियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। और अचार गोश्त, अचारी मसाला जो है वो अचारी चिकन में शामिल करें, अचारी सब्जियों में शामिल करें, इसे बना के रख लें। और ये हमारी मिर्चें भी हमारी फिलअप हो गई। अब क्या करेंगे, ये सारे मसाले को हम चिकन में शामिल करेंगे। आ जाए चिकन बनाते हैं इसको। चिकन अचारी के लिए यहाँ पे 1 प्याली ऑयल ले लिया, यहाँ पे 1 kg मेरे पास चिकन है। पहले थोड़ा सा चिकन को फ्राई करेंगे, और इजी तरीन रेसिपी है अगर आपके अचारी मसाला तैयार है। तो चिकन को हल्का सा फ्राई करेंगे, और साथ में शामिल कर देंगे 1 tablespoon भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो अपने अचारी मसाले में अदरक पाउडर और लहसुन पाउडर 1-1 teaspoon मिला दें, तो आपके 1 kg की रेसिपी बन जाएगी। मगर मैं कोशिश करता हूं कि वो आसान काम करूं, क्योंकि हर एक के लिए मुमकिन नहीं होता अदरक लहसुन का पाउडर लाना। यहाँ पे चिकन ने अपना थोड़ा सा पानी रिलीज किया, पानी जब चिकन अपना ड्राई कर लेगी और ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो हम बकिया के मसाले इसमें शामिल कर देंगे। चिकन ने अपना कलर चेंज कर दिया, ऑयल भी बाहर आ गया। मैंने आपको जैसे बताया बहुत आसान सी रेसिपी है। यहाँ पे
जो हमने अचारी मसाला बनाया था ये आ गया, पूरा 1 kg की रेसिपी थी और साथ में बाकी चीजें भी शामिल करेंगे। ये अचारी मसाले का आप देखें लुक ही बहुत अच्छा है, बस इसके अंदर मैंने चाइनीज सॉल्ट नहीं शामिल किया, अजीनोमोटो नहीं शामिल किया, क्योंकि मैं हर चीज में नहीं शामिल करता, थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ जहां मुझे ऑथेंटिक स्ट्रीट स्टाइल कोई चीज बनानी होती है। मगर अगर आपको बिल्कुल वही डब्बे वाला मजा चाहिए और अगर सेहत का ख्याल नहीं है तो कभी कभी यूज कर लें, साल में एक आध बार कोई भी रेसिपी बनाते हुए आप यूज कर सकते हैं, मगर फ्रिक्वेंटली अपने घर में ना तो डब्बे के मसाले इस्तेमाल करें और ना ही चाइनीज सॉल्ट। यहाँ पे ये देखें मसाला भी हमने फ्राई कर लिया, यहाँ पे 3 अदद बड़े टमाटर को जूसर मशीन में पीस लिया था, ये आप इसमें और शामिल कर दें। इसके अंदर तकरीबन 1 kg चिकन के लिए 250 ग्राम दही, इसको करें मिक्स और इसको रख दें पकने के लिए। ये जब चिकन गल जाएगी और हमारे टमाटर और दही का पानी भी ड्राई हो जाएगा तो क्या होगा कि एक बहुत अचारी मजा इस चिकन की बूटी बूटी में आ जाएगा। इसको थोड़ा सा घुमाने फिराने के बाद, चक्कर लगाने के बाद हम अभी तो इसको फास्ट पे रखेंगे ताकि इसका पानी ड्राई हो और इसके बाद इसको थोड़ा सा दम देंगे मिर्चें इसके ऊपर रख के जो हमने मिर्चें फिल की थी। फिलहाल जो है इसको पका लेते हैं। चलिए 10 से 12 मिनट की मेहनत पे हमारा दही और टमाटर का जो हमने पीस के पेस्ट बना के शामिल किया था, अभी इतना पानी मेरे पास है जो मैं ये हमने स्टफ किए अचारी मसाले में मिर्चें, ये इसको अभी ऐसे ही ऊपर रखेंगे, ये खुद ही गल के अपने अंदर जो है वो सारे मसाले को ले भी लेंगी, चिकन के मसाले को और अपना जो अंदर हमने स्टफ किया है वो मसाला भी इसमें शामिल कर देंगी। इसको अब लगाएंगे जाके हम ढक्कन ताकि जो है वो अच्छा दम आ जाए और हमारी मजीद चिकन जो है वो गल जाए। अब इसको कम से कम 10 मिनट का और दम देंगे। चलिए 10 मिनट का मजीद दम देने के बाद और इतनी कोई जबरदस्त खुशबू पूरे घर में अचार की और अचारी फ्लेवर की, यकीन माने मुझे तो इतना अच्छा लगता है फ्लेवरफुल खाने और मुख्तलिफ जो है टर्न्स के साथ। और चूंकि मुझे ज्यादा खुशी हो रही है, देखें बिल्कुल मसाला जो अचारी का आपको नजर आ रहा है, चिलीज आपको नजर आ रही है, चिकन बिल्कुल देखें गल गया और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा, ये देखें चिकन कितना टेंडर अच्छी तरह गला हुआ है, चिकन की ये चिलीज हमारी जो हमने अचारी मसाला स्टफ किया था ये रेडी हो गया बेहतरीन तरीके से। आपको लेके चलते हैं डाइनिंग टेबल पे, इसको प्रेजेंट करते हैं।